स्क्विंट या जिसको हिंदी में हम तिरछापन या भेंगापन बोलते हैं, वो आंखों की मिसअलाइनमेंट होता है। मतलब कि हमारी जो दोनों आंखें एक वस्तु को सीधा देखती हैं, उसकी जगह पे जिनको स्क्विंट की बीमारी है या जिनको मिसअलाइनमेंट या भेंगेपन की बीमारी है, उसमें एक आंखें उस वस्तु को सीधा देखती हैं और दूसरी आंख या तो बाहर की तरफ घूमी रहती है या तो अंदर की तरफ घूमी रहती है। ये होता क्यों है? वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे हमारे शरीर में मांसपेशियां या मसल्स होती हैं, वैसी हमारी आँख में भी छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं। एक एक आँख में 6 मसल्स होती हैं और जब ये दोनों आँखों की 12 मसल्स या 12 मांसपेशियां बैलेंस या कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं तो हमारी आँखें चीज़ों को सीधा देखती हैं। या फिर अगर हमको दाएँ देखना है तो बराबर दाएँ घूमती है, बाएँ देखना है तो बराबर बाएँ घूमती है, जैसे कार के पहिए घूमते हैं। जब इन मसल्स में बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, या तो मायोजेनिक मतलब मस्कुलर कॉजेस की वजह से या तो न्यूरोजेनिक या मस्तिष्क के कॉजेस की वजह से, तब एक आंख हमारी सीधी देखती है, एक आंख या तो बाहर या अंदर की तरफ जाती है। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल में स्क्विंट स्पेशलिस्ट उपलब्ध रहते हैं जो आपकी आँखों की जाँच करके आपको ये बताते हैं कि आँख में कोई तिरछापन या भेंगापन है या नहीं है। अगर है तो वो किस तरह का तिरछापन है, उस तिरछेपन का जो इलाज है वो कभी कभी चश्मे के द्वारा या कभी कभी ऑपरेशन के द्वारा संभव होता है।